सब्सक्राइब कीजिए ओम नर्सिंग एकेडमी चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं अनु.कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपना टॉपिक है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन यह एक प्रोसीजर है जिसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को नोज और माउथ के द्वारा ट्रेकिया में इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन यह एक प्रोसीजर है जिसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को नोज और माउथ के द्वारा ट्रेकिया में इंसर्ट करवाया जाता है। ये उस कंडीशन में काम में लिया जाता है जब पेशेंट को आर्टिफिशियल एयरवे की ज़रूरत होती है, लगभग 10 से 14 दिन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के पर्पज़ की। इसमें फर्स्ट है टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एयरवे सक्सिनिंग के लिए, टू गिव एनेस्थेसिया के लिए, टू एडमिनिस्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे ब्रोंकल डायलेटर ड्रग्स है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। इसमें फर्स्ट है ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन और सेकंड है नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अब इन दोनों को हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है ओरोट्रेकियल ट्यूब्स। ओरोट्रेकियल ट्यूब्स जैसे यानी इसके नाम से पता चलता है, ओरो यानी माउथ के द्वारा, यह ट्यूब माउथ के द्वारा इंसर्ट की करवाई जाती है। और ये नेजोट्रेकियल ट्यूब है, ये नोज के द्वारा। जो ओरोट्रेकियल ट्यूब है ये लार्ज होती है नेजोट्रेकियल की तुलना में। अब बात करूँ मैं यानी कंफर्ट की, कि कौन सी कंफर्ट है। कंफर्ट के मामले में देखें तो जो नेजोट्रेकियल ट्यूब्स है वो मोर कंफर्टेबल है किसके बजाय, ओरोट्रेकियल ट्यूब के बजाय। यानी जो नेजोट्रेकियल ट्यूब है वो कंफर्टेबल है ओरोट्रेकियल ट्यूब के बजाय, क्योंकि अगर हम ओरोट्रेकियल ट्यूब को माउथ से इंसर्ट करवाते हैं तो जो टंग है वो ट्यूब को क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, जिससे पेशेंट है वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। और जो ओरोट्रेकियल ट्यूब्स है ये किस कंडीशन में लगाते हैं, हम मोस्टली कौन सी कंडीशन काम में लेंगे, नेजोट्रेकियल ट्यूब कंडीशन काम में लेंगे। लेकिन अगर पेशेंट के एपिस्टेक्सिस हो या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो, इस केस में हम ओरोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्यूब। कफ के आधार पर हम ट्यूब का क्लासीफाई कर, इसमें फर्स्ट है कफ ट्यूब। कफ ट्यूब को 8 साल से ऊपर के बच्चों में काम में ली जाती है। इसके अंदर जो ट्यूब होती है, इसके अंदर एक कफ होता है, उसको इन्फ्लेट करके जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसको सही पोजीशन में रखा जा सकता है, जिससे कि यानी जो भी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो कंटेंट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एस्पायरेट होने से उनको रोका जा सके। ठीक है, सेकंड है अनकफ्ड ट्यूब। अनकफ्ड ट्यूब यह 8 साल से कम बच्चों के में काम में ली जाती है, क्योंकि इस यानी जो 8 साल से कम बच्चे होते हैं उसमें जो सब ग्लोटिक एरिया होता है वो पहले से ही नैरो होता है, तो इंडोट्रेकियल ट्यूब को प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर की। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन के दौरान पहले हम पोजीशन देते हैं। पोजीशन कौन सी, स्निफिंग पोजीशन। ये एक सुपाइन पोजीशन है जिसमें हेड को एक्सटेंस किया जाता है। ठीक है, फिर जो भी पेशेंट है उसको अगर हम ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो जो लेरिंगोस्कोप है उसको माउथ में इंसर्ट करवाते हैं। उसका ये कारण है कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम लेरिंजियल ओपनिंग एक्सपोजर। ठीक है, फिर उसके बाद में लेरिंगोस्कोप इंसर्ट करवाने के बाद में उसमें ओरल ट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करवाते हैं। ओरल ट्रेकियल ट्यूब जो इंसर्ट करवाते हैं उसका जो उसका प्लेसमेंट होगा वो 1 से 2 सेंटीमीटर अबोव कैरिना, कैरिना जहाँ पे जो ब्रोंकाई जो ट्रेकिया जो ब्रोंकाई में बढ़ जाता है उसे 1 से 2 सेंटीमीटर अबोव रखते हैं। प्लेसमेंट के बाद में हम 5 से 10 ml एयर इन्फ्यूज़ करते हैं जो कफ है उसको इन्फ्लेट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें लास्ट में देखिए चेक प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब। हम एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो प्लेसमेंट है वो किस वो सही प्लेस हुई है या कहीं और प्लेस हुई है, तो उसको चेक करने के लिए लंग्स है वहाँ पे साउंड सुनेंगे, जो चेस्ट है राइज विजिबल उसको देखेंगे। ठीक है,
कन्फर्मेटरी प्लेसमेंट, जो कन्फर्मेटरी प्लेसमेंट है एटी ट्यूब का, वो एक्सरे के द्वारा मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ एटी ट्यूब। न्यू बॉर्न में 2.5 से 4 एमएम की, इन्फेंट में 4 से 4.5 एमएम, चाइल्ड में जो 10 साल से छोटे हैं बच्चे उसमें 5 से 7 एमएम की, चाइल्ड जो 10 साल से थोड़े बड़े हैं उसमें है 7 से 8 एमएम की, एडल्ट में 8 से 9.5 एमएम की, और मेन में 7 से 9 एवरेज है 8 एमएम, और वुमेन में एवरेज है 7 एमएम। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब की साइज थी। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंस बिटवीन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन और ट्रेकियोस्टोमी, इन दोनों में क्या अंतर है। कई स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर यही है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन है वो हम नोज और माउथ से इंसर्ट करवाते हैं जो ट्रेकियल ट्यूब, लेकिन जो ट्रेकियोस्टोमी होती है उसमें हम ट्रेकिया में डायरेक्ट ट्रेकिया में इंसर्ट करवाते हैं। इसमें गले पर एक वो इंसिजन लगाया जाता है, ओपनिंग बना के सीधा ट्रेकिया में हम ट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, आप वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।